स्टोक्स सर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द जर्नी ऑफ FC21 सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू। राइट, तो अशोक सर कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट यू गॉट आउट ऑफ योर पार्टिसिपेशन इन FC21 प्रोग्राम? नो डाउट दिस वाज अ वंडरफुल प्रोग्राम, बिकॉज ऑफ क्या है कि हमारी जो कंपनी है, हम लोगों ने बहुत छोटे लेवल पे काम को शुरू किया था और करते करते क्या हुआ कि काम का साइज थोड़ा बढ़ गया, लेकिन काम बढ़ने के बाद हमारे यहाँ सिस्टम एंड प्रोसेस जो थे वो बहुत कमजोर और वीक थे, ठीक, जिसकी वजह से टीम को हैंडलिंग करना, टीम को कोऑर्डिनेट बना के चलना, किसने क्या काम किया है, हमारे लिए ये लगता है सभी लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये कोर्स डिजाइन किया गया है उससे ये निकल के आया है कि हमें ये पता लग पाया कि डेली लेवल पे कैसे कैसे एक दूसरे को चेक करना है, जो चेक लिस्ट बनाई गई है, जिस तरह से फॉलोअप बनाया गया है, रियली एक अपने आप के अंदर एक रिमार्केबल है, नो डाउट काफी बेनिफिट हो पाया। और हमारी टीम शुरू शुरू में बड़ी टीम को लग रहा था कि यार ये उन्होंने क्या नई चीज ला के दे दी हमें, ठीक है, या क्या इन लोगों को हमारे पीछे लगा दिया है। जब उनको लगने लगा कि हाँ हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है और जो हम काम कर रहे हैं उस काम की अप्रिसिएशन भी हो रहा है, तो काम नजर भी आने लग गया, ठीक, तो नो डाउट ये अपने आप के अंदर काफी इफेक्टिव और वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा बेसिकली। राइट अशोक सर, व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम यू वाज डीलिंग बिफोर जॉइनिंग FC21? मैडम मेन प्रॉब्लम ज्वाइन इससे पहले क्या प्रॉब्लम था ना, राइट, इससे पहले प्रॉब्लम ये था कि हमारा सिस्टम जो होता मैनेज नहीं था बेसिकली। अकाउंट्स के अंदर जो 45 लोगों की टीम है, 45 लोगों की टीम के बाद भी अकाउंट टैली नहीं हो पाते थे, टीम हमारा कस्टमर हमारा सेटिस्फाई नहीं था, वेंडर का जो पेमेंट था वो लेट हो जाता था, कौन सा पैसा किससे लेना है, हमारा पैसा बाजार में पड़ा हुआ हम मांग नहीं पाते थे, तो यानी कि सिस्टम ना बड़ा डिसबैलेंस था। डिसबैलेंस इन द सेंस था कि एक पार्टी से हमारा कमिटमेंट हुआ कि जी 10-10वें दिन पेमेंट देगा, 10वें दिन पेमेंट आया नहीं दोबारा, फिर उसको माल बेच दिया, फिर पेमेंट नहीं आया फिर माल बेच दिया, क्योंकि पार्टी प्रेशर बनाती थी, या मान लो 10 लाख रुपए लेना है 2 लाख रुपए देता था वो 20 लाख का माल फिर ले लेता था, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं थी सिस्टम के अंदर। तो इसके साथ क्या हुआ कि हमारे ग्राफ सामने जो है ना वो एट ए ग्लांस हम लोग देख पाए, ठीक, और ये देख पाए कि यार हमारा पैसा कहाँ बाजार में है, जहां जहां से हम कवर कर सकते हैं। जब भी पैसा शॉर्ट होता था बाजार से पैसा मंगा लेते थे हड़ाक से, तो वो बड़ा ना मतलब काफी इन डिसबैलेंस था जिसको बोलना चाहिए, इंटरेस्ट की कॉस्ट बढ़े जा रही थी, प्रेशर बना जा रहा था, और जब हमने अपना पैसा फोकस करना शुरू किया, ठीक, जब सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया, तो नो डाउट ये अपने आप के अंदर हम इसको बैलेंस बना पाए और बैलेंस बना के इसको बहुत अच्छी तरह से चला पाए। डू यू थिंक मोर एंड मोर बिजनेस ओनर्स शुड डू दिस प्रोग्राम एंड व्हाई? यस मैडम, बिल्कुल परफेक्ट ये करना चाहिए। उसका दो रीजन है, हम जिस तरीके को इस्तेमाल करते हैं हमें लगता है हम ठीक हैं, हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके आगे भी बहुत कुछ है, ठीक है, जो वो मुझे लगता है यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जुड़ के जो है आप अपने आप को अपने सिस्टम को सिस्टमेटिक कर सकते हैं, ठीक है। हमें लगता है यार ओनर बैठेगा तभी काम होगा, हमें लगता है हमारे बिगड़ ये तो सबको गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग चेकबुक वगैरह खुद साइन करते थे, अपने सामने करते थे, ट्रांजेक्शन करते थे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। आज एक बड़ी कंपनी देखिए, बड़ी कंपनी रन होती है तो वहां ओनर थोड़ी बैठा होता है, सिस्टम करते चलता है, तो कई दफा सिस्टम बड़ा कर लेते हैं और हम गलत फहमी में जीते हैं कि हमारे बिगड़ नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके सिस्टम एंड प्रोसेस स्ट्रॉन्ग है और प्रॉपर तरीके से है तो आप इसको कर सकते हैं। मैं तो इवन देन हर एंटरप्रेन्योर को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको ये प्रोग्राम करना चाहिए और बहुत इफेक्टिव है, और जब तक आप नहीं करके देखेंगे जब तक अल्टीमेटली आपको नहीं समझ में आएगा। थैंक यू फॉर योर फीडबैक सर।